जितना बड़ा लीडर उतना बड़ा प्रोटोकॉल। मुगल बादशाहत का दौर खत्म हो गया, मगर पाकिस्तान में बादशाहों का दौर खत्म नहीं हो रहा। फरवरी 2010 को उस वक्त के सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी सिक्योरिटी के लाउ लश्कर के साथ क्वेटा पहुंचे, तो गरीब मां ने रिक्शे में बच्चे को जन्म दे दिया। सदर ममनून हुसैन के वीआईपी कल्चर की वजह से शहरी ईद की नमाज तक अदा ना कर सके। नमाज नहीं पढ़ने दी इन्होंने, अंदर इन नहीं होने दिया इन लोगों ने। 10-15 हज़ार से लेकर 20 हज़ार तक लोग बगैर नमाज रह गया, तो ये सारे तसरे जो गलती है सदर साहब के हैं। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने फरवरी 2014 में क्वेटा का दौरा किया तो पूरा शहर वीआईपी प्रोटोकॉल की वजह से यरगमाल बन गया। नौशेरा में सिक्योरिटी के काफले के साथ इमरान खान हो या सखर में सैकड़ों गाड़ियों के हमरा बिलावल भुट्टो, वीआईपी प्रोटोकॉल से पाकिस्तान के अवाम की जान नहीं छूट रही। नवंबर 2014 में तो रहमान मलिक को वीआईपी प्रोटोकॉल की वजह से अवामी मुजाहिमत का सामना भी करना पड़ा था। रहमान मलिक साहब, 250 पैसेंजर ख्वार हुआ आपके वजह से। हेलीकॉप्टर, महंगी गाड़ियां और असलाह लहरा कर हटो बच्चों की सदाएं देते ये सिक्योरिटी गार्ड्स तरक्की पजीर ममालिक के हुक्मरानों और सियासतदानों को ये अतवार जेब नहीं देते।